प्रो रेसलिंग लीग सीजन 3 फाइनल्स एंड जॉइन मी इज ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त। योगेश्वर, आज आप प्रो रेसलिंग लीग 3 का फाइनल्स देखने आए हैं, कितना बड़ा मंच है ये भारतीय रेसलर्स के लिए, क्योंकि जब भारतीय रेसलर्स विदेशी रेसलर्स के साथ खेलते हैं और जब ओलंपिक और एशियन गेम्स में जाते हैं तो एक पहले से एक्सपीरियंस होता है इन लोगों को उनके साथ खेलने का। देखिए, अपने घर में जो कॉम्पिटिशन मिलता है एक विश्व स्तरीय, तो बहुत अच्छी बात है ये, जिससे हमारे जो पहलवान हैं उनको फ़ायदा होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, काफ़ी ओलंपिक चैंपियन भी आए हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट है, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं। अब आप पूजा डांडोगई देखिए कि वो ओलंपिक चैंपियन को भी हराया उसने, और भी हमारे बहुत पहलवान हैं जैसे बजरंग पुनिया है, और जो जूनियर हैं उनसे अलग है, उनको फ़ायदा मिलेगा आने वाले टाइम में। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसलिए बहुत अच्छा है कि एक अपने घर में ये माहौल बना है। ये 16-17 दिन चलती है, एक बच्चों को आगे बढ़ने का भी और जो आर्थिक तौर पे भी उनकी एक मदद मिलती है उस चीज़ में। क्योंकि आपने एक बात करी बजरंग पूनिया की, क्योंकि बजरंग ने कल मुकाबला लड़ा और उन्होंने मुकाबले लड़ने से पहले मुझे बोला कि मैं योगी भाई को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ उनके पिता बनने के लिए, और कल उन्होंने मैच जीत लिया और आपको एक गिफ्ट दे दिया। बजरंग के साल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आंका गया, जो बड़े बड़े रेसलर्स एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे थे कि बजरंग इस समय बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और आने वाले एशियन गेम्स में पक्का एक मेडल हमारा लेकर आएंगे। क्या कहेंगे बजरंग के लिए? देखिए, बिल्कुल, बजरंग 2020 के लिए, मेरी तो उम्मीद 2020 के लिए है कि बजरंग ओलंपिक से मेडल ले गए 2020 टोक्यो में, उसी के लिए हम तैयारी में लगे हुए हैं कि बजरंग जाए और देश के लिए वहाँ से मेडल जीते ओलंपिक से, क्योंकि सबसे बड़ा ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं होता। और तो बजरंग की तैयारी बहुत अच्छी है, पिछले साल एशिया चैंपियन भी बना है, अभी अंडर 23 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी आया है, और भी कॉमनवेल्थ गेम्स है, फिर एशियन गेम्स हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों जगह बजरंग गोल्ड ले जाए। योगेश्वर, ना कई ना सिर्फ युवा रेसलर्स बल्कि जो भारतीय फीमेल रेसलर्स हैं उन्होंने इस साल जो परफॉर्मेंस दिया है हमने शायद प्रो रेसलिंग लीग सीजन के इतिहास में कभी नहीं देखा था। पूजा ढांडा का ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, अफ्रीकन चैंपियन को हराना, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट वर्ल्ड चैंपियंस को हरा रहे हैं, भारतीय फीमेल रेसलिंग का किस तरीके से फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा है। अब आप पूजा ढांडा ने 3 विदेशी जो वर्ल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक चैंपियन को हराया है, उससे अलग विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, ये उम्मीद है कि हाँ आने वाले टाइम में लड़कियों, जैसे साक्षी ने तो ओलंपिक में मेडल जीता ही है, उससे एक नई दिशा मिली है भारतीय महिलाओं को, बात जो पुष्टि करती हैं कि वो भी ओलंपिक में कुछ कर सकती हैं, इसलिए आने वाले टाइम में लड़कियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो 2020 ओलंपिक में वहाँ से भी मेडल मिलेगा हमें। क्योंकि आखिरी सवाल, विश्व की इकलौती ऐसी ये लीग है प्रो रेसलिंग जहाँ पर विश्व के सारे रेसलर्स एक मंच पर आते हैं, UWW के अलावा जो लीग्स होती हैं, इसके साथ ही जो हमें अभी जो खबर मिली है वो कि बाहर वाली जो बाहर के विदेशी में जो देश हैं वो भी यहाँ इस तरह की लीग अब कराना चाहते हैं प्रो रेसलिंग लीग से इंस्पायर होकर, और क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा मंच मिले और वहाँ के भी रेसलर्स आएँ और खेलें साथ में, क्या कहेंगे? देखिए, विदेशी पहलवान तो आते हैं यहाँ पे, और कुश्ती की सबसे बड़ी लीग हिंदुस्तान में स्टार्ट हुई है, तीसरी है ये, जैसे IPL क्रिकेट में सबसे बड़ी लीग IPL है पूरे विश्व में, ऐसी कुश्ती की सबसे बड़ी लीग वो हिंदुस्तान में होती है, और अच्छी बात है यार ऐसी लीग होती है तो जिसे हमारे पहलवानों को भी उधर मौका मिले खेलने का, पर मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ी लीग कोई और कंट्री करा पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस, दैट वाज योगेश्वर दत्त, ओलंपिक मेडलिस्ट, स्पीकिंग ऑन द ओकेशन ऑफ द प्रो रेसलिंग लीग फाइनल्स इन द सीजन 3 विद जर्नलिस्ट अविनाश जडेश्वर जैन फॉर प्रो रेसलिंग लीग।